देखिए कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें डाल दूंगी मैं 2 तेज पत्ता लिया है मैंने, 1 चम्मच जीरा, दो चुटकी हींग, देखिए मैंने टमाटर की प्यूरी कर ली है, 4 मैंने मीडियम साइज टमाटर लिया है, ये डाल देंगे। ढकना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये तेल चारों तरफ उड़ने लगता है। इस तरह से ढकने से इसका जितना भी तेल इधर उधर छींटे आती है ये इसी में रह जाता है प्लेट में। अब मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगी सारे मसाले। ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने 1 चम्मच, इसमें अब मैं डालूंगी धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालना है इसके अंदर, और 1 चम्मच में डालूंगी इसमें छोले मसाले। नमक मैंने छोले उबालते टाइम में 1 चम्मच डाला है, इसलिए मैंने इसमें 1/2 चम्मच ही नमक डालूंगी। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज के छोले में नवरात्रि के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी। मसाले को तेल छोड़ने तक अच्छे तरीके से भून लेना है। देखिए मसाले कढ़ाई छोड़ चुके हैं, तेल छोड़ चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें जितने छोले सब मैं डाल दूंगी इसके अंदर। इसके मदद से तो याद दिला दूं, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। छोले बनाने का एक सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो छोले का पानी बचा हुआ है इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसे मैं इसी में डालूंगी। इससे ये जो कच्चा पानी हम डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मसाला भुनके हो गया है तैयार, अब इसमें नींबू पानी ऐड कर देंगे।
छोले को मैंने ज्यादा फोड़ा नहीं है, ज्यादा क्या मैंने फोड़ा ही नहीं है। देखिए इसका ग्रेवी बहुत गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड करूंगी, बस हो गया। कुकर को रख दिया मैंने साइड में। माय गॉड, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आ रहा है। आखिर में इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच फुल घी। आधा चम्मच चीनी, और आखिरी में आधा चम्मच गरम मसाला। सारा चीज इसमें ऐड हो चुका है। अब इसे मैं पकाऊंगी लो फ्लेम पे एक मिनट तक। छोले बनके हो गए हैं तैयार, गैस का फ्लेम कर देंगे हम बंद।